आज है 21 तारीख और इफ़ यू हैव सीन द प्रीवियस एपिसोड बोला है कि बिकॉज ऑफ द वेदर स्ट्राइक एंड द एक्सीडेंट वी आर नॉट एबल टू गो टू खारदुंगला और सियाचिन बेस कैंप, दैट्स व्हाई वी आर हेडिंग टू उमडिंगला हानले। आज का डेस्टिनेशन है हानले विच इज़ 252 किलोमीटर्स फ्रॉम हियर और आज मैं अकेला नहीं हूँ इस जर्नी में। आज से यशवंत, यशवंत है, यशवंत है और अभी है, अभी इज़ गोइंग टू बी ओनली टिल उमलिंगला एंड बैक। उसके बाद मैं और यशवंत कंटिन्यू करेंगे और आगे होपफुली दो और लोग ज्वाइन हो सकते हैं बिकॉज दे जस्ट वॉन्ट टू राइड एंड दे आर माई फैमिली मेम्बर्स। तो वेलकम बैक टू द चैनल एंड लेट्स स्टार्ट टुडेज एपिसोड। यस, तो चलो चलते हैं। क्या वेट, इसने अपना बफ गिरा दिया है। बड़ी मास्टर नंबर आ गए बफ तेरा। फोटो से ही निकलना है ना? हाँ हाँ, आराम से निकल। आपका यूट्यूब वीडियो पे कमेंट है, आप इतने एग्रेसिवली क्यों स्टार्ट करते हैं? आराम से निकल। जो फॉर्मेशन हम चला रहे हैं इसे बोलते हैं स्टैगर्ड फॉर्मेशन, जिससे हमको सिटी रोड्स के अंदर जाने से या कोई भी एक हाईवे पे जाने के टाइम पे आई कैन सी व्हाट इज़ अहेड ऑफ द फ्रंट राइडर एंड ही कैन ऑल्सो सी व्हाट इज़ अहेड ऑफ द फ्रंट राइडर और आगे वाले राइडर को भी दूसरा राइडर मिरर में मिल सकें। और जैसे भी ट्रैफिक का और नैरो सिचुएशन आता है देन वी बिकम 1:3 और वापस ये स्टैगर्ड फॉर्मेशन में आ जाते हैं, जिससे हम लोग वी डोंट लूज ईच अदर एंड वी आर नॉट कॉजिंग ट्रबल टू एनी वन इन द ट्रैफिक ऑल्सो। तो स्पेस सबको इक्वली मिलेगा और इनकेस फ्रंट वाले को कोई चीज़ हो गया, वो ब्रेक मारता है, वो कोई मिस्टेक करता है, तो पीछे वाले को रनिंग स्पेस मिलता है और मेरे को भी रनिंग स्पेस मिलता है कि ब्रेकिंग के लिए हमको स्पेस मिल सके। सो दिस इज़ वन थिंग विच वी फॉलो एज अ ग्रुप राइड। तो बताने की याद आ गई बात तो बता दिए, जब भी ग्रुप राइड करो या मल्टीपल पीपल ट्राई टू फॉलो सिंगल लाइन एंड स्टैगर्ड फॉर्मेशन, जिससे आप दूसरों को भी तकलीफ ना दें और खुद भी तकलीफ ना पाए। So we stopped at Thikse Monastery to take a photo with the Triumph 1200. और एक है राइडिंग, दूसरा है जब भी हम ओवरटेक करते हैं तो मैं निकलता हूँ, ये नहीं देखता, मैं ये देखता हूँ कि मैं भी निकलूँ, ये भी निकले और ये भी निकले। वो फॉर्मेशन के हिसाब से निकलता है ना, तो डिसिप्लिन रहता है और दूसरों को भी परेशानी नहीं होती। और जब भी कोई भी कार वाला ओवरटेक करता है तो वो बंदा भी वो देख लेगा कि चार गाड़ी है। और ये रहा यशवंत इन इज रियल टाइम सिनेरियो, आई मीन इन इज व्हाट डू यू से द रियल मी 1 और रियल मी 2, रियल मी 3, 4 प्रो मैक्स, 4 प्रो मैक्स लिटरली। देखने के लिए जितना ये गीक दिखता है ना उतना है नहीं, ये उसके गीक तो है। यार अभी तो राइड शुरू हुई है, बाद में करो। मैंने बेइज्जती चालू नहीं की। अरे बहुत मजा आता है इसके साथ।
बहुत कम है हवा। पंचर हुआ या हवा कम है? चेक करना पड़ेगा, पहले यहाँ पे ये कर लेंगे, हाँ पेट्रोल भरवा लेते हैं। सो वी रीच खरू विच इज 36 किलोमीटर्स अवे फ्रॉम ले, और वी आर फिलिंग अप फ्यूल एंड कैरिंग एक्स्ट्रा फ्यूल। तो दिस इज 769 किलोमीटर्स का पूरा राउट है टिल मनाली। तो यहाँ से 769 किलोमीटर से 36 किलोमीटर माइनस कर लो, और 20 लीटर पेट्रोल डाल के अभी जितना भी ये भरेगा फुल टैंक, इस राइड पे इसका करेंगे माइलेज टेस्ट। क्या करते हो यशवंत, माइलेज टेस्ट करवाएंगे इस बार? और कितना देती है, कितना देती है, कितना पैसे लेके कितना ये माइलेज देती है? और दूसरा हमारा पहला कैजुअल्टी यशवंत का रेयर टायर हवा कम है, पंचर है या हवा कम है अब वो तो चेक कराना पड़ेगा, वो चेक करना पड़ेगा, राइट यशवंत? अगर पंचर निकला तो दिक्कत है, टाइम वेस्ट हो जाएगा। कुछ टाइम नहीं यार, टाइम हमारे पास बहुत है, सात आए हैं सात जाएंगे। हाँ वो तो है, वही रेस्ट टूट गया शायद ठंड में। ओहो ठंड की वजह से टूट गया है। क्या ये वाला? ये शीशा टूट गया, अभी क्या अभी टूट गया। ओहो झूल रहा है, झूल रहा है, पर थोड़ा एक लीटर दो लीटर डलवा लेना। तो कितना हुआ अमाउंट? 1071 रुपीस 70 पैसे, 11 लीटर 19 मिलीलीटर। क्या चाहिए तेरे को? मैं परमिट नहीं दिखाऊंगा। दिखाना पड़ेगा। इस साइड था। ओके मजा आया? यशवंत के पीछे के टायर में हवा कम है, ये भाई के आगे के टायर में हवा कम है, तो खरू जाते हैं, खरू जाके चाय पीते हैं और हवा भरते हैं चाय पीते पीते। यशवंत कहाँ पे बोला था तूने कि चेकपोस्ट? उपशी। पक्का ना? पक्का, क्योंकि करू वाला चेकपोस्ट तो पैंगोंग की तरफ था। हाँ गुड, यू हैव अ गुड मेमोरी। चलो निकलते हैं। ओके यशवंत के साथ बहुत मजाक करता हूँ मैं, बहुत, एक छोटा भाई के जैसे मज़ा आता है। तो अभी हम लोगों ने पूरा पेट्रोल भरवा लिया, और अभी यहाँ से देखते हैं कहाँ पे ये पेट्रोल कम होता है। अभी खरू के बाद हम जाएंगे उपशी से हम डाइवर्जन लेंगे, जहाँ पे राइट मनाली के लिए जाएगा, लेफ्ट जाएगा अपना कैरी के लिए, कैरी चुमाथांग एंड माहे से लोमा बैंड से हम जाएंगे हानले। देयर टू मेनी पीपल, इट्स बेटर टू स्टॉप इन उपशी, या इधर साइड में पंचर की दुकान है वहाँ पे रुकाता हूँ इनको। पंचर की दुकान बंद है यहाँ पे, इसके बाद हवा भरने का है नहीं है, आई डोंट थिंक सो यशवंत, उसके बाद हवा भरने का नहीं है। हाँ पूछ क्या जाए उन्होंने, देखते हैं इसके पास हवा भरने का है, वरना हमारे पास तो इन्फ्लेटर है, पर जब कंप्रेसर मिलता है तो टेंशन ही नहीं। तो हवा भरने वाला नहीं मिला, कंप्रेसर इनके पास नहीं है, तो आराम से वो उपशी में जाते हैं, 15 किलोमीटर है, उसी में जाकर चाय का ब्रेक लेकर वहीं पर भरवाते हैं। रूम में अभी रुकाने का कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्दी है, ज़्यादा लोग हैं, टैक्सी वैक्सी, तो चलो ये सब कुछ इस घर का विंटर का फ्रेश स्नोफॉल है।
अभी ये जितने भी गाड़ियाँ रुकी हैं, मनाली जाने वाली गाड़ियाँ हैं, आज मनाली का रास्ता बंद है। चलो हानले का रास्ता तो खुला है, तो हानले निकलते हैं। दो तीन दिन के बाद देखते हैं, सब कुछ उस पर डिपेंड है। इन लोगों की गाड़ी में हवा भरना था, चाय पीना था, थोड़े फोटोग्राफ्स मेरे को ट्रैम्प इंडिया को भेजना था, भेज दिया। तो अभी टाइम बच गया है 12:09 और वे यशवंत, यशवंत यू मूव फर्स्ट, मैं सबसे पीछे। ओके हाँ, स्टैगर्ड फॉर्मेशन। किधर है? ये भाई ने बैग वहीं चाय की दुकान में छोड़ दी। अरे अभी रुकना है ना? हाँ, तो तेरी तूने कोई बैग नहीं पहना है ना? तू कोई बैग नहीं पहना है ना? ओके, वी हैव टू वेट फॉर हिम। ओके चल। मतलब रीजन व्हाई आई डोंट आई पुट एवरीथिंग ऑन माय बाइक एंड नॉट ऑन माय साइकिल। फॉर मी दिस इज द रीजन व्हाई आई कैरी एवरीथिंग वेरी टक। तो आगे कहीं पे रुकाते हैं। भाई का मिल गया बैग, ज़्यादा टाइम नहीं लगा पर मिल गया। कहाँ पे था? वहीं पे चाय की दुकान पे। हाँ वहीं पे पड़ा था। कोई नहीं उठाया? किसी ने उठाया, दुकान वाले ने उठाया, तो जाके पूछा देख लिया। अच्छा लॉक डाल लेना। हाँ ये वाला लॉक। हाँ हाँ 12:53 है यार, परफेक्ट लंच ब्रेक पे जाना है क्या? वही लंच के लिए। हाँ आपको भूख लगी तो रोक दो। नहीं नहीं लंच ब्रेक है चुमाथांग। क्या भाई? चुमाथांग लंच ब्रेक। ओके जी, ये वाला तो मेमोरी कार्ड वापस खराब हो गया, इसका मेमोरी कार्ड उठा के मैंने यहाँ लगा दिया। रुकते रुकते चल रहे हैं हम लोग। ये देखो यशवंत ऐसे ही गाड़ी चलाएगा। हाँ ऐसे ही चलाऊंगा मैं। लंच ब्रेक है तो वी आर पार्किंग आवर मोटरसाइकल्स ओवर हियर एंड टाइम बज गया है 2:02। लंच कर लें। हाउ आर यू यशवंत? मेरे को पूछता है। तो बस अभी चल के मुड़ते हैं। 2 मिनट ले लो, 10 मिनट ले लो, 3 तो बज गया इधर ही। खाना खा लिया, सो हम दोनों ने खाया एक चाउमीन और ये भाई ने खाया नॉर्मल चाउमीन, क्योंकि ये बंदे को अंडा हजम नहीं होता, पेट में दर्द होता है। और तीनों ने पिया लाइम टी। हर बार आता हूँ यहाँ पे आके लाइम चाय लाइम टी पीता हूँ, अगर गर्मी ज़्यादा है तो लाइम जूस। सही बनाते हैं भाई। तो यहाँ की खासियत हॉट वाटर स्प्रिंग्स, जो अभी टाइम का फाइट है, ये लोग जाके आ गए पर मैं इधर रहा गाड़ी के और सामान के साथ। तो अभी यहाँ से निकलते हैं, अनदर 100 किलोमीटर्स वी नीड टू डू, वापस मोड चेंज आ जा। Thank you.
एंटरिंग माहे ब्रिज। भाई माहे ब्रिज वाला एक तो पूरा टारमैक सेक्शन था, अभी इन्होंने रोड वाइडनिंग के लिए मज़ेदार रोड बना दिया है। आई नीड टू स्टॉप ओवर हियर फॉर द चेक पोस्ट। कल अगर उमलिंगला हो जाता है या नहीं होता है, वी हैव टू टेक दिस रोड टू सोकर, सुमदो और सोकर। अरे चेक पोस्ट किधर है? हाँ ले, हाँ परमिट है, दो लोग और आ रहे हैं। मजा आ गया। I'll see you guys in a bit। निकलो सामने, मैं पीछे आता हूँ। नीड हेल्प? नहीं नहीं, हो गया हो गया ना। जा। भाई निकलो, मैं अगर आगे रहूँगा तो मैं भाग जाऊँगा ऑफ रोड में लेकर, बेहतर है पीछे आराम से आओ। जो करना था कर लिया, मेन चीज़ है इन सबकी सेफ्टी। My GoPro, I don't know where it fell off. Don't know where? क्या कर रहे हो? Nothing, go. Let's go ahead. You are busy curving, na? Huh? You are busy curving, right? Huh? You are busy curving, right? Yep. Yet we have done our Maya Bridge wala entry. अभी टेम्परेचर 7 डिग्री दिखा रहा है पर है नहीं, कम हो चुका है टेम्परेचर। ये भाई आया या नहीं, इन दोनों को आगे ही रखता हूँ यार। करना ही चाहिए वरना रहना मुश्किल हो जाएगा इस बार। हाँ अबे यार रूम इधर है, रूम इधर है, घुमा के किस तरफ लग, इधर है यार, उधर है। चल भाई, हम हान ले, अभी आप सब लोगों को मिलेंगे रूम के अंदर। सी यू गाइस इन द नेक्स्ट एपिसोड।